योगा करता है यहाँ पे अगर तो सही सही आई लव योगा. लोग कहते हैं रोज करना पड़ता है पर मेरा तो एक दिन में ही हो गया था यार. मैंने सूर्य नमस्कार किया, मुझे सूर्य नमस्कार करते करते चक्कर आ गया. टीचर को बोला मैंने कि चक्कर आ रहे, नहीं पहली बार आपके सर में खून जा रहा है, दूसरी बार फिर चक्कर आ गया, कह रही ज्यादा खून जा रहा है, तीसरी बार में नाक से खून निकलने लगा, कह रही मोटर की टंकी भर गई है. और जितनी ज्यादा अनफिट मैं हूं उतनी ज्यादा फिट मेरी दोस्त है. लाइक शी गोज टू द जिम एवरी डे, हर दिन जाती है. एक दिन मुझसे कह रही कि मैं ना अपने बच्चों को बोल के मरूंगी कि मुझे जलाए ना तो प्लैंक पोजिशन में जलाए. इतनी बड़ी फिटनेस फ्रीक है वो, उसने पूरी फैमिली के फिटनेस बैंड पहन लिया यार. सोते टाइम भी फिटनेस बैंड पहन के सोती है कि स्लीप वॉकिंग के स्टेप्स ना मिस हो जाए उसके. पूरे टाइम हार्ट रेट चेक करती रहेगी, कम आएगा घबरा जाएगा. फिर क्या, हार्ट रेट तेज हो जाती है उसकी बहुत ज्यादा. मतलब और ऐसा नहीं है कि वो हमेशा से फिट थी, अचानक से. हम पहले पाइनएप्पल पिज्जा ये जो भी सब ठूसते रहते थे, गोलगप्पे खा रहे. एक दिन अचानक से मुझसे कह रही कि श्रेया अनस्वीटेंड आमंड मिल्क कॉफी पिए क्या? आपने सूर्यवंश मूवी देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन खीर खा के खून की उल्टी करता है. वो जहर नहीं आमंड मिल्क था यार, इतना ही गंदा टेस्ट होता है. और ये नागपंचमी में भी सांप को आमंड मिल्क दे रही है, कहीं लैक्टोस इंटॉलरेंट ना निकल जाए साहब. 2015 तक लैक्टोस इंटॉलरेंट करके कुछ था भी नहीं यार, लोग बस बोलते थे कि पेट में गुड़गुड़ हो रही है. 2020 में लोगों में शर्म कम हुई, थैंक गॉड लोग खुल के बता पा रहे, नहीं तो इसके बाद तो चुपचाप पात के चले जाते थे यार. तो फिर ठीक है, अब खुल के बातचीत हो पा रही है इस पे. मेरी दोस्त लेकिन शो ऑफ ही करने लग गई है. इंस्टाग्राम बायो में उसने डाल दिया है सिंगल प्राउड एंड लैक्टोस इंटॉलरेंट. सीधे बोलना तेरी चाय पी के हो जाती है. इट्स दैट सिंपल लिटरली. पर लैक्टोस इंटॉलरेंट भी है वो, जिम जाती है वो, इतनी हेल्दी है वो, फोटो खिंचवाते टाइम भी चीज नहीं कहती है. मतलब लाइक शी इज दैट हेल्थ कॉन्शियस. उसके प्रेशर में आके मैंने पापा को कह दिया कि मुझे भी जिम ज्वाइन करना है. कह रहे जिम, हाँ ठीक रखना है बर्तन मांजो, पीठ ठीक रखनी है झाड़ू लगाओ, और पैर ठीक रखने हैं इंडियन टॉयलेट में भागो. आई वाज लाइक पापा अपने घर में वेस्टर्न टॉयलेट है. कह रहे तो क्या हुआ, सोच इंडियन होनी चाहिए. सोच इंडियन हो तो वेस्टर्न पे भी इंडियन हो सकता है. मेरी मम्मी अलग सलाह दे रही है कि सुबह उठ के बस खाली पेट गर्म पानी पी लो, सब सॉल्व हो जाएगा. एसिडिटी, कब्ज, टेररिज्म जो भी है, बस सुबह उठ के खाली पेट गर्म पानी पी लो. दादी अलग बता रही कि खाना खाते टाइम 32 बार चबाना चाहिए. दादी आपका एक दांत है इसलिए आप 32 बार चबाते हैं. मेरे 32 हैं, मेरा एक बार भी चब जा रहा है पूरा खाना. मतलब ये कुछ ज्यादा डिमांड नहीं है 32 बार. और मैं खुश भी थी अपनी अनहेल्दी लाइफ में, मैं सच बताऊं लाइक आई टोटली फाइन परफेक्टली लिविंग माय अनहेल्दी लाइफ. बट एक दिन अचानक से जादूगर सम्राट पूनम पांडे उन्होंने मर के वापस आने का कर्तव्य दिखाया. मेरी उस टाइम वो न्यूज पढ़ के सच में फट गई थी यार कि इसको कैंसर है, मुझे भी हो सकता है. मतलब मैं भी वॉट हूँ यार. मतलब मेरे तो बाल भी झड़ते हैं बहुत ज्यादा नकली है. मैं तो सच में घबरा गई थी यार. पर मुझे लग रहा है लड़के ज्यादा अवेयर हो गए, उनको लग रहा है उनको भी सर्वाइकल कैंसर है. डॉक्टर को बताना पड़ रहा है यार कि तेरे पास सर्विक्स ही नहीं है भाई. क्या तो और भी चिंता की बात है, सर्विक्स ही मिसिंग है, 10 तक तो था मेरे पास. रो रहे हैं लड़के कि डॉक्टर आप कह रहे हैं मुझे पूनम वाला कैंसर नहीं है, नहीं तुम्हें मुकेश वाला है. मतलब लाइक यू नीड हेल्प फॉर दैट. परेशान हो गए लड़के. बट मैं भी दिल में दर्द लेके पहुंची फुल बॉडी चेकअप के लिए. प्राइस सुन के मेरे सर में भी दर्द हो गया, इतना महंगा होता है फुल बॉडी चेकअप यार. बट आपने भी सुना होगा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इट्स एक्चुअली प्रिवेंशन इज चीपर देन क्योर. मेरी बुआ उन्होंने अपनी लेफ्ट किडनी का ऑपरेशन कराया राइट किडनी बेच के. फिर वो ठीक हो गई, वो बेच के वापस से राइट लगवाई क्योंकि राइट ही है वो. तो करा लेना चाहिए, लोग कराते नहीं है फुल बॉडी चेकअप. उनको लगता है कि कराएंगे तो सच में कुछ ना निकला है, पेट में अर्थराइटिस हो गई तो मतलब कुछ भी हो सकता है. पर करा लेना चाहिए फुल बॉडी चेकअप. मैं गई वहाँ पे और मैंने जैसे हर लोग पूछते हैं वहाँ पे जाके कि भैया फुल बॉडी चेकअप में क्या क्या हो जाएगा,
तो बता रहा है कि फुल बॉडी चेकअप में फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा. तो मैं नेगोशिएट कर रही हूँ कि भैया तो जो दो दो बॉडी पार्ट है उसमें से एक एक का कर दो आप, एक आंख एक हाथ एक किडनी ऐसा कर दो. नहीं नहीं पूरी बॉडी चेकअप होगी. मैं तब भी नेगोशिएट कर रही हूँ कि अच्छा मेरे बॉयफ्रेंड का फ्री में कर दो, हम तो एक जिस्म दो जान है. कह रहे नहीं आप दो जिस्म एक जान हो, दोनों का ही लगेगा. पर मैंने फिर लास्ट में अग्री कर लिया क्योंकि मुझे पता है फुल बॉडी चेकअप महंगी है बट आईसीयू बेड और भी ज्यादा महंगा होता है, तो करा लेना चाहिए. एक वीक के बाद मुझे लैब वाले ने व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेजी और फिर मैसेज फट गई. इसके पहले तक मुझे लगा था कि रिपोर्ट गलत है, मतलब कहीं लिखा ही नहीं मैं हॉट हूं तो मुझे लगा गलती होगी. बट मैं बताना चाहूंगी कि जिन भी लड़कियों को लगता है उनमें कोई कमी नहीं है, वो परफेक्ट है, आप फुल बॉडी चेकअप कराओ. आपको बहुत सारी कमियां दिखेंगी. मुझे कॉल पे समझा रहे कि मैम आप में आयरन की कमी है. मैं बोल रही अच्छी बात है गोल्ड करूं मैं. कोई मुझे आयरन की कमी, आप गोल्ड का बताओ कितना चल रहा है भाव का. कह रहे नहीं आप एनेमिक हो, एनेमिक. एंड दैट्स व्हेन इट हिट मी कि ओ गॉड एनीमिया है मुझे. और तीन में से दो लड़कियां एनेमिक होती है और एक पापा की परी, उनको कुछ नहीं होता. बट सीरियस है, लोगों ने मुझे बोला बीट रूट खाने से ठीक हो जाता है, तो मैं तो बहुत बीट रूट खाने लग गई यार. इतना खाने लग गई हूँ कि लोग मेरे पास आके से भाग जाते हैं कि छी तो गुटखा खाती है. चाय में डुबो रही हूँ बीट रूट. हाँ लोगों की जबान काली होती, मेरी लाल हो गई है. दिखा आपको बहुत देर पहले खाया था मैं. बट खाना चाहिए बीट रूट. लोग कहते हैं अपने रूट से जुड़े रहो, मैं तो हमेशा अपने बीट रूट से जुड़ी हुई हूँ. हाँ मैं बीट रूट लेके घूमती हूँ. देखो भाई मेरे पास बीट रूट है, दमादम मस्त चुकंदर. पर जितने बीट रूट खा लिए मेरा, मेरी आयरन डिफिशियंसी उससे तो कम नहीं हो रही है. मुझे लग रहा है तवाई चाटना पड़ेगा मुझे इवेंचुअली. एक दिन धरती माता मेरे सपने में आ गई यार कि डाल दिए सारे न्यूट्रिएंट्स तेरे यार गोभी आलू चुकंदर में, इतने डाल दिए मुझ में कमी हो गई है. अब मैंने सोचा कि मैं सप्लीमेंट्स ले लूँ, बट टैबू है सप्लीमेंट के अराउंड. मैंने अपने भाई को बोला, कह रहा है सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए. मैंने तूने पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज सप्लीमेंट लेके पास किए हैं. मैं नॉर्मल लाइफ में तो खा ही सकती हूँ सप्लीमेंट. कह रहा है अर्ली मैन तो नहीं खाते थे सप्लीमेंट. आईटी एम्प्लॉय भी नहीं थे वो. भाई केव मैन क्या करते थे, वो अपने भाले में शार्प करके पत्थर लगाते थे और फिर खाना लाते थे. और हम क्या लगा रहे हैं, कूपन कोड. भूख लगी है 50-50, मजे दिला दूंगा 69. कोई भी कूपन कोड चल रहा है. भाई अर्ली मैन को गाजर खाना होता तो खरगोश मार देते थे, इतना ऑर्गेनिक होता था उनका सब कुछ. टाइम बदल चुका है और मैंने रियलाइज कर लिया है कि हेल्थ कोई ऐसे थॉट नहीं है जो आप सोच के सही हो जाओगे. लेजिट एक्शंस लेने पड़ेंगे. और स्पेशली मैं गर्ल्स को बोलना चाहूंगी, आपको पता है हमारी बॉडी साइन देते रहती है, हर डार्क सर्कल कुछ कहता है. पर लोग उसमें भी सही शेड का फाउंडेशन लगा के ऐसे छुपा है, हमें नहीं देखना क्या कह रहा है. मुझे बहुत टाइम लगे ये समझने में कि इट्स जस्ट नॉट डाइट एक्सरसाइज बट ऑल्सो सप्लीमेंट्स, और तीनों करना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप बेस्ट ऑफ बोर्ड की तरह बेस्ट ऑफ टू निकाल रहे हो और बता रहे हो लोगों को. मैं तो अभी तक क्या करती थी, मैं खाना सही खा रही थी बट एक्सरसाइज अपनी कुक से करवा रही थी. ना उसको बोल रही दीदी लाओ मैं दो रोटी बेल देती हूँ, आप कार्डियो कर लो मेरी जगह. मेरी मेड कह रही है अच्छा अब ओजीवा का प्रोटीन पाउडर आप खाओगे या मुझे ही खाना है. तो मैंने क्या किया, मैंने उससे अपना ओजीवा का डब्बा ले लिया. अच्छा लगता है हम बोलते हूरन दी वर्ल्ड गर्ल्स और गिर जाते चक्कर खा के. नहीं ना, एवरी डीवा नीड्स ओजीवा.